अकेली महिलाओं से क्या डर है, मतलब ये क्या धर्म में है? डॉक्टर रिजवान, आप इस्लामिक स्कॉलर, मुझे समझाइए। मुझे तो धर्म की जानकारी है नहीं भाई, इस्लाम की, वो आप जानकार आदमी है, आप मुझे समझाइए क्या ये धर्म में होता है कि अकेली महिला मस्जिद में अलाउड नहीं होती? नहीं 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 नहीं, देखिए जय हिंद वंदे मातरम। अब तो ये जो है ना, जो इनके अब्बू हुआ करते थे, अब्बू से मतलब समझ रहे हैं आप, सन 60 के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई ऐसा इजारा नहीं बना, कोई ऐसा इस्लामिक फाउंडेशन नहीं बना, कोई ऐसा मरकज नहीं बना, कोई ऐसा मुसाफिर खाना नहीं बना जहां पैसा इनके अब्बू ने ना भेजा हो, यानी सऊदी अरेबिया ने। ये सब साफ सब वहीं जाके जकात लेके आते हैं। अब्बू कौन है? एक एक मौलाना 12-12 हज करता है। शब्द वापस लेने पड़ेंगे, अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सऊदी आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो, आपके अब्बू हो सकते हैं वो रिजवान साहब। और आप जो हंसकर और ये बातें करते हैं ना, अब संजीदा ही नहीं है आप डिबेट में। आपका नाम पता नहीं आपको क्यों बुलाते हैं लोग। आपका नाम लिया नहीं, आपका नाम लिया नहीं, तो मुसलमानों के कैसे बाप हो सकते हैं वो? सऊदी अरब से हमारा क्या ताल्लुक है? अच्छा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, ये कौन होते हैं हमारे अब्बू बताने वाले? अब्बू इनके होंगे वो। आपका तो नाम नहीं लिया उन्होंने, आपका नाम लिया हाजी मेरा जी, मुसलमानों का नाम लिया, आपका नाम सारे मुसलमानों का नाम लिया, नाम लिया मस्जिदों में पैसे की बात बताई। एक काम करते, अरे कोई पैसा सऊदी अरब से मुसलमान नहीं लेता यहाँ पे। हाजी मेरा दिन, आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट मत फॉल करिए। नहीं नहीं, अब एक बार शांत रहिए, आपका नाम लूंगा तब आप बोलेंगे, बस आप शांत हो गए। हाजी मेरा दिन बस हो गया शांत, मैं आपका नाम लूंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? नाम लूंगा तब बोलेंगे आप, बात करेंगे नहीं, तो अरे गलत सही मैं तय करूंगा, अपनी तय करेंगे, अपनी बात अपनी टर्न, यानी कि आप नहीं, आपको कोई नहीं बोलने देगा, फिर आपको कोई नहीं बोलने देगा। अरे आप कौन होते हैं तय करने वाले? ठेका ले रखा है क्या धर्म का? क्या ठेका ले रखा है क्या धर्म का? हमने आपने धर्म का ठेका ले रखा है? ये कहां से टेंडर, ये टेंडर कहां निकला था हमारे देश में? कहां से टेंडर निकला था? पागल है एक नंबर का लगा। आपका सामान आपके हाथ में, मत स्पॉइल करिए, आपका नाम लूंगा तब बोलिएगा। डॉक्टर रिजवान अहमद आप कंप्लीट करिए, जीना शौकत अली जी भी मेरे साथ है और निखत अब्बास भी मेरे साथ जुड़ गई है, आप बोलिए एक एक करके। पहले जी जी डॉक्टर रिजवान अहमद कंप्लीट। अबू 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 बस अबू इस तरीके से कि अगर इनके अबू वीजा देना बंद कर दें तो ये हज पे नहीं जा सकते, ऐसे हुए वो तुम्हारे अबू। अब आगे अरे तुम कितना संजीदा हो, मेरे को तो आज इस बात पे ताज्जुब आ रहा है कि आप डिबेट में संजीदा ही नहीं है। आप आज अब्बू ढूंढने निकल गए लोगों के। अरे आपके अब्बू कौन है आप बता दीजिए आज, और यह भी बताइए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आज ये भी क्लियर करिए, नहीं तो अपना रिजवान नाम हटाकर जो आप असली नाम आपने रखा है, जैसे रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया था, आज उसका क्या हाल हो चुका है? अगर आप ऐसी सोच है तो आप हिंदू धर्म अपना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अपना अब्बा बना लीजिए किसी को भी। अब हो गया, अभी एक मैं डॉक्टर इनको बोलने बोलूं, मरे बैठे हैं, बोल लीजिए, थोड़ा बचा है कुछ, बचा है हाँ। वो गैस भर गई, इसके गैस भर गई। अच्छा सर, अच्छा स्पॉइल करने बैठे हैं, बोलेंगे तो मैं ऑडियो बंद कर दूंगा आपका। ये डिबेट स्पॉइल होगी तो भाई मेरा शो दर्शक करोड़ों लोग देखते हैं, वो आपके मैं उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। बस हो गया, आप नहीं तय करेंगे क्या सच क्या झूठ, आपका सच आपका, उनका सच उनका, बीच में बोलिएगा। पीसीआर ऑडियो बंद कर दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीसीआर यहाँ ऑडियो बंद कर दीजिए, एक एक करके सब बोलेंगे, सब सम्मानित सीनियर लोग हैं, जीना शौकत अली जी भी जुड़ गई हैं। आ जाऊं, आ जाऊं, अब आप बोलिए, ऑडियो बंद कर दीजिए, आ जाऊं। डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप सुनो, अमन भाई, अमन भाई, हमारी जिनको हमने माना है, बीबी आयशिया अरबी, बीबी खदीजा अरबी, बीबी फातमा अरबी, पैगंबर हमारे अरबी, तो क्यों ना अब्बू हो तुम्हारे अरबी? ठीक, अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, यहां ऑडियो बंद कर दीजिए। और वो इतने बड़े तुम्हारे अब्बू हैं, और वो इतने बड़े अब्बू हैं कि तुम उनके इजाजत के बिना हज तक नहीं कर सकते अगर वो तुम्हें वीजा ना दें, इतने बड़े वो तुम्हारे अब्बू हैं। आई बात समझ में? उनकी जकात पर पले हो, उनकी जकात पर पले हो, ठीक मेरा दीन। अब आगे सुनिए, अरे इसको बंद करवाओ,
अजी मेरा दी, अरे इसको बच्चों करवाओ यार, ये क्या तरीका है यार, कहां से जहर पकड़ के लाए हो? माफी चाहूंगा, अब मुझे आपको जाने के लिए कहना पड़ेगा सर। हाँ जुड़ो वाली जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस, इसलिए आप बीच नहीं, अब आप बीच में जबरदस्ती, मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत बोलिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उनसे पूछिए ना जो बात पूछनी है। अमन भाई, अरे आप तय करेंगे क्या क्या पूछना क्या नहीं पूछना है? वो बात पागल, आप तय करेंगे क्या पूछना क्या नहीं पूछना है आपके हिसाब से? अमन भाई, सऊदी अरब का क्या टेंडर निकला? शांत रहिए, मत बोलिए अब। अमन भाई, हाजी मेहरुद्दीन, अमन भाई कर रहे हैं, छह मिनट हो गए हैं। अच्छा, मत करिए, अमन भाई बस कर रहे हैं उन पे, तो आप कुछ अच्छा नहीं बोल रहे, प्लीज आप जाइए, प्लीज आ जाइए। अरे चुप रहे जाहिल, चुप रहे यार। अमन भाई बस ऑडियो बंद, आज से मत बोलिएगा, आज से एक साल पहले, इनके बाद आप बोलिएगा ठीक है? आज से एक साल पहले सऊदी अरेबिया एक कानून लाया जिसमें सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि अकेली औरत हज तक कर सकती है। यस, 2021 उसे अपने साथ किसी, जी बिल्कुल 2021 में उसे अपने साथ किसी गार्जियन की जरूरत नहीं है। यह कानून सऊदी अरेबिया लाया 2021 में, और ये जो उनकी जकातों पर अपनी मस्जिदें और मरकज और इजारे बनाते आए हैं, ये उनसे बड़े बड़े मुसलमान हो गए, ये दो कौड़ी के लोग। ठीक ठीक, बस अब आप बोलेंगे ना। हाँ एक मिनट हाजी मेहरुद्दीन, अब तो वैसे फैसला वापस हो ही गया, अब तो आप जितना मर्जी गला फाड़ें कुछ फायदा है नहीं। उन्होंने जो सवाल पूछा, सऊदी अरब ने भी 2021 में हज मंत्रालय ने महिलाओं को, अकेली महिलाओं को जाने की इजाजत दी सऊदी अरब में। बिल्कुल, अब वो सुनिए, और यहाँ आप वैसे आपका पक्ष क्या है कि एंट्री होनी चाहिए नो एंट्री? आपका पक्ष क्या है? नो एंट्री होनी चाहिए, नो एंट्री। सुनिए अच्छा, मैं बताता हूँ क्यों। हिंदुस्तान मैं ना सऊदी अरब पे जा रहा, ना मैं पाकिस्तान पे जा रहा, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान की बात करूंगा। अमन जी, हिंदुस्तान में जो हमारी महिलाएं हैं वो, और मुस्लिम महिला, वो ना तो मस्जिद में जाके नमाज अदा कर सकती हैं और ना ही कब्रिस्तान में जा सकती हैं, ये फैक्टली बात है। दूसरा, रिजवान साहब मुझे दो कोड़ी का आदमी बता रहे हैं, सुनिए क्यों, रीजन दीजिए, रीजन क्यों, बता दूं क्यों, मेरी हैसियत हाजी मेहरुद्दीन क्यों, क्यों का जवाब दीजिए, लग जाएगा मैं दो कोड़ी का हूँ या क्या है भाई? आप दो कोड़ी के हैं ये सबको पता है। चलिए हाजी मेहरुद्दीन, मुझे वजह दीजिए क्यों क्यों नहीं जा सकती, जो डॉक्टर रिजवान अहमद ने पॉइंट उठाया। एक मिनट सवाल लीजिए, जो सवाल उठाया डॉक्टर रिजवान अहमद ने, सऊदी अरब वाले कम मुसलमान हैं, कम इस्लाम के जानकार हैं, उनका इस्लाम में तो इजाजत है कि बिना महरम और अकेले मुस्लिम महिला जा सकती है हज करने, यह हज मंत्रालय ने 2021, वो कम मुसलमान है और आप ज्यादा मुसलमान है क्या? देखिए सुनिए, वहां का कानून अपना अलग है, हिंदुस्तान का कानून अपना, कानून अलग थोड़ी ना है महिलाओं की, सुनिए सुन तो लीजिए, कानून कहां से आ गया इसमें? मना करता है आपको मस्जिद में जाने के, और इस्लाम तो का कानून मना करता है। हाँ, एक मिनट, आराम से, मस्जिद में जाकर नमाज नहीं अदा कर सकती महिला, घर पे बैठ के नमाज अदा करेंगी। ठीक है, नहीं आराम से, मतलब इस्लाम का कानून वर्जित करता है अकेले महिलाओं को मस्जिद में जाने, इस्लाम का कानून? देखिए हाँ या ना जी, आप मेरी बात, अरे हाँ या ना, अरे मना है। अच्छा बस, इस तो फिर सऊदी अरब का इस्लाम नकली है क्या? असली और नकली के लिए मैं नहीं बैठा, वो तो वहां के लोग बताएंगे कौन सा असली है और कौन सा नकली है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू आई भारत से, तो यहाँ के लोगों के, मुसलमानों के, आज अकेली महिलाओं का, सुनिए हज मक्का, मतलब इतनी पवित्र स्थान हज मक्का मदीना, महिलाएं मुस्लिम महिलाएं बिना महरम के जा सकती हैं। सुन तो लीजिए, कह रहे जामा मस्जिद में नहीं जा सकती, देश का, आप ज्यादा बड़े मुसलमान हैं सऊदी अरब के हज मक्का मदीना से, हिंदुस्तान में दिल्ली में है जहाँ से पूरे देश में दुनिया में इस्लाम फैला, वो गलत है, चूतिया बनाया तुमको, गलत है, वहाँ पे भी बैन होनी चाहिए, वहाँ पर भी एंट्री बैन होनी चाहिए। ओके 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 ओके, और क्या है, समझ गया मैं, समझ गया, मतलब इस्लामिक कानून के हिसाब से वर्जित है अकेली महिलाओं का मस्जिद में जाना, ठीक है? जितनी महिला बहनों में बैठी हैं, आप सबसे पूछूंगा मैं, सबसे पूछूंगा मैं, मस्जिद में जाके नमाज अदा करें, सबसे पूछूंगा।